नमस्ते बच्चों बच्चों, आज हम बधाई कार्ड पाठ पढ़ रहे हैं। तो बेटा, आपको मेरे हाथ में किताब दिखाई दे रही होगी। इसमें एक बधाई कार्ड का पिक्चर दिया हुआ है। देखो, ये इस बधाई कार्ड बनाने के लिए कागज, पुरानी साड़ी की लेस, टिकलियाँ, रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़े, इनका उपयोग किया गया हुआ है। तो बेटा, हमको भी ऐसे ही पुरानी चीज़ों का उपयोग करके बधाई कार्ड बनाने का सीखना है। तो इसके लिए देखो, मैंने घर में एक पुरानी किताब थी उसका कवर यूज़ किया है, एक कवर यूज किया है। फिर उसके ऊपर लगाने के लिए एक कागज मैंने लिया है, और बधाई कार्ड बनाने के लिए मेरे पास जो सामग्री थी मैं आपको वो दिखा रही हूँ। देखो, मेरे पास एक टिकलियाँ थी, ये टिकलियाँ मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। फिर ऐसे एक भी दुकान पर ऐसे एक स्टिकी नोट्स मिलते हैं, इनका भी यूज़ हम बधाई कार्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि किताब में लिखे हो वही चीज़ें चाहिए, अपने घर में बहुत सारी चीज़ें होती तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ये देखो, ये मैंने कैंची हमें लगती है काटने के लिए, ये डबल साइडेड टेप है बेटा, आप चाहे तो ए ही यूज़ करो, ऐसा मैंने बताया था, लेकिन मेरे पास ए तो मैं ए यूज़ कर रही हूँ अभी। ये देखो, एक गम, मतलब मैंने ये गम यूज़ किया है यहाँ पर, और ये पुरानी साड़ी की लेस घर में पड़ी थी तो वो यूज़ करके मैं यहाँ पर बधाई कार्ड आपको बना कर दिखाने वाली हूँ। ये मेरे पास जो पेन है, सभी पेन, स्केच पेन हो तो उनका यूज़ करना चाहिए, नहीं हो तो देखो ये पेन है हमारे पास, मैं इनका भी यूज़ कर सकती हूँ। तो बेटा, सबसे पहले बधाई कार्ड बनाने के लिए आपको बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में बधाई कार्ड बना सकते हो। वैसे तो हम अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बधाई कार्ड बनाते हैं, लेकिन देखो यहाँ पर मैं अभी एक आसान तरीके से आपको बधाई कार्ड बनाकर सिखाने वाली हूँ। यहाँ पर मुझे इतने ही साइज़ का ये बधाई कार्ड बनाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसी साइज़ में यहाँ पर मैं काटने वाली हूँ अभी। तुम चाहे तो इतनी बड़ी साइज़ में भी बना सकते हो, छोटी साइज़ में भी बना सकते हो, लेकिन मुझे अभी यहाँ पर इतना ही बनाना है, तो मैं इतना यहाँ पर अभी काट देती हूँ। बेटा, अगर कागज़ नहीं मिले तो देखो, घर में हम नई नई साड़ियाँ लाते हैं तो उनके जो कवर रहते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का जन्मदिन हो तो जन्मदिन होता है तो देखो केक लाते हैं ना हम, तो उनके नीचे वो जो केक रखने के लिए जो कागज़ रहता है उसका भी यूज़ तुम बधाई कार्ड बनाने के लिए कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि देखो, हमारे घर में अगर किसी की शादी रहती है तो हमें उनकी जो लेटर आते हैं, शादी की जो पत्रिका आती है, तो उनका भी यूज़ हम बधाई कार्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। मैंने तो आपको वीडियो में दिखाया था कि देखो, बच्चों ने घर में पड़ी पुरानी चीज़ों से कितनी अच्छी तरह से वहाँ पर शुभेच्छा कार्ड बनाए हुए थे। तो हम अपने प्रियजनों को देने के लिए ऐसे शुभेच्छा कार्ड बना सकते। देखो, मेरा ये तैयार हो गया आका, अभी मैं इसको यहाँ पर स्टिक करूँगी, मतलब यहाँ पर चिपकाऊँगी। आप यहाँ पर फेविस्टिक, अगर किसी के पास फेविकॉल लेने के लिए पैसे नहीं होते तो देखो, मैं आपको बताती हूँ कि गेहूं का आटा हमारे घर में रहता है, अगर गेहूं के आटे में थोड़ा सा नमक डाल दे और उसको थोड़े से गर्म पानी में हिला ले, और उसका उपयोग करके भी हम ऐसे चीज़ें उनसे चिपका सकते हैं। देखो, अभी मैं चारों साइड में लेस लगाऊंगी, इसलिए मैं पहले उसका यहाँ पर माप ले रही हूँ। देखो, ऐसे में चार हिस्सों में अब इसको काटने वाली हूँ यहाँ पर। ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, आप अपने क्रिएटिविटी से, आपको जो आता है उससे ये अलग अलग तरह के शुभेच्छा कार्ड तैयार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दुकान से ही लाए और किसी को दे, अपने हाथ से बनाए हुए चीज़ें की तो मज़ा ही कुछ और रहती है बेटा। देखो, अभी मैंने यहाँ पर, अभी मुझे यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ। देख रही हूँ कि यहाँ पर चारों तरफ से मैंने पुरानी साड़ी की लेस यहाँ पर लगा दी है। देखो, अगर इस लेस का या उपयोग करके आप अलग अलग तरह के फूल बना सकते हो। यहाँ पर देखो, मैंने एक छोटा सा ऐसा बना रही हूँ ताकि बहुत अच्छा लग सके। यहाँ पर मैं देखो इसको अच्छी तरह से हो गया है।
जो से लेस लगा दी है। अब मेरे पास जो ये टिकलियाँ हैं इनका यूज़ करके मैं कुछ सजावट करूँगी। यहाँ पर मेरी आप देख सकते हैं कि अब तक हमने इसे ऐसे बनाए। अब यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर हम जिसको ये कार्ड देने वो उसके नाम पर संदेश लिख सकते हैं। बेटा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर हम बड़ों को बधाई कार्ड देते हैं तो बड़ों के लिए प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते ऐसे शब्दों को हम लिखना चाहिए। अगर हम छोटे को देते हैं, अपने से छोटों को देते हैं तो उनके लिए हम आशीष, स्नेह, प्यार ऐसे शब्द यूज़ करते हैं। तो अब इस पर मैं मुझे मेरे दादाजी को देना है उनकी जन्मदिन की बधाई पर, तो मैं अभी लिखती हूँ यहाँ पर। पूज्य दादाजी, अभी दादाजी मतलब दादाजी तो मुझसे बड़े इसलिए मैं उनके लिए लिख रही हूँ। सादर प्रणाम। उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की बधाई मैं यहाँ पर उनको देना चाहती हूँ। बच्चों ये देखो, अब आप देख सकते हैं एक ऐसा बधाई कार्ड यहाँ पर तैयार हुआ है। बेटा ये तो एकदम सिंपल सा बनाया था, अगर आप चाहें तो इससे भी बहुत अच्छा बधाई कार्ड बना सकते हो। और अपने मन की भावना, अगर किसी को यहाँ पर कुछ ज़्यादा अच्छे से कोई संदेश लिखना हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि अभी बधाई कार्ड कैसे बनाया जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत सुंदर बधाई कार्ड, मुझसे भी अच्छा बधाई कार्ड बना सकते हो। तो चलो बनाओ और मुझे दिखाओ।